सब कुछ चल रहा है, कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 साल के बाद अपने आप बारी आ जाती है। लोगों के पास कोई तीसरा रास्ता नहीं था, ऐसे ही पंजाब में होता था, ऐसी दिल्ली में होता था, लेकिन अब भगवान ने अपना झाड़ू भेजा है राजनीतिक गंदगी की सफाई करने के लिए। आओ इकट्ठे होके अपने आप को वोट दें, अपने बच्चों को वोट दें, अच्छी शिक्षा को वोट दें, अच्छे अस्पतालों को वोट दें, बिजली पानी की बुनियादी सुविधाओं को वोट दें। हमने इनको वोट देके बहुत देख लिया, लेकिन इस बार अपने आप को वोट दें, अपने आप को वोट दें। जब से पंजाब के नतीजे आए हैं, तब से कांग्रेस और बीजेपी वाले हर रोज हिमाचल से बयान देते हैं, हिमाचल में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती, इसका मतलब आ सकती है। आदमी वही बोलता है जिसका डर होता है। एक मौका मांगा था दिल्ली में, लोगों ने किसी और को मौका नहीं दिया। एक मौका मांगा था पंजाब में, अभी 20-25 दिन हुए हैं ओथ सेरेमनी को, सरकार बने हुए 20-25 दिन हुए हैं। आप पंजाब के साथ अपनी रिश्तेदारियां दोस्त मित्र हैं, पूछ लेना पंजाब में कि करप्शन कैसे 20 दिन में बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गई। नीयत होनी चाहिए, नीयत नीयत नहीं है इनकी, इनको सिर्फ अपने बेटे बेटियां दामाद ससुर चाचे चाचियां पता नहीं कौन कौन चाहे गोद लेना पड़े इधर उनसे बच्चा, लेकिन अपने बेटे को दिलवाना है। और आम आदमी पार्टी ऐसी है जो आम लोगों को आम लोग रोक ले यार, जो आम लोगों को विधानसभा की और पार्लियामेंट की सीढ़ियां चढ़ाती है। जिस आदमी ने जिस लड़के ने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को हराया है वो मोबाइल रिपेयर करने की एक दुकान करता है, और जिस लड़की ने सिद्धू और मजीठिया दोनों को हराया है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सिर्फ आम लोगों को मौका मिलने लगा है, पहले इन्होंने अपनी जागीर बना ली थी, इन्होंने जागीर बना ली थी अपनी कि हम ही लड़ सकते हैं, और लोगों को भी ये डर हो गया था कि जो राजनीति है ये तो गुंडागर्दी की और पैसे वालों की गेम है, हम इसमें आ नहीं सकते। आम आदमी पार्टी ने ये विश्वास दिलाया है कि कोई भी आदमी आके एमएलए बन सकता है, और भगवंत मान जैसा एक टीचर का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, वरना इधर तो बारी नहीं आती। उधर तो 55-55 साल के 60-60 साल के जो हैं वो अभी यूथ के नेता हैं, तो हम तो आम आदमी हैं, आपके जैसे ही हैं, ऐसे रहते हैं। ये प्यार आज देखकर हमें तो नींद अच्छी आ जाएगी, उन्हें भी आएगी यार, ये प्यार देखकर मुझे लग ही नहीं रहा मैं मंडी में हूं, मैंने तो लगता मैं संगरूर फिर रहा। इनकलाब इनकलाब बोले सोनिहाल, वंदे भारत माता की। अब आपके सामने देश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री और राजनीतिक लोगों को राजनीति सिखाने वाले अरविंद केजरीवाल जी आपको संबोधन करें। सो तस्वीरां लगातार तुसी देख पा रहे हो, भगवंत मान नूं वी तुसी सुनिया, होरना पार्टियां ते तंज भी कसदे नजर आए, ते हिमाचल दी मौजूदा सियासत ते भी उन्होंने तंज कसिया कि कोई विकल्प सी ही नहीं, एक हटदा सी दूजे दी वारी, दूजा हटदा सी फिर पहले दी वारी, ते हुण तीजा बदल तुहानूं दे रहे हां।